नमस्कार, मैं विश्वानी बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 26 अक्टूबर दिन शनिवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार सरकार करेगी निजी अस्पतालों का सर्वे, मरीजों की सुविधाओं का ब्यौरा तैयार होगा। आद्री और गेट्स फाउंडेशन का सहयोग। बिहार में अभी की कार्य जांच शुरू, ई मापी की संख्या बढ़ाने का निर्देश। भागलपुर में अधिक लंबित मामले। विद्यार्थियों के लिए आधार सीडिंग आवश्यक, आधार कार्ड होने पर ही मिलेगा योजनाओं का लाभ। निजी विद्यालयों का निबंधन किया अनिवार्य। किसानों को मिलेगा अनुदानित बीज, एमएसपी से 30% ज्यादा दाम। 21 जिलों में होगा बीज का उत्पादन। सड़क दुर्घटनाओं पर हाईकोर्ट में याचिका, लर्निंग जांच में कमी की समस्या, शराबबंदी का पालन नहीं। सीबीआई की याचिका सुप्रीम कोर्ट में खारिज, सुशांत केस में रिया को राहत, हाई प्रोफाइल केस में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी। भारत की दूसरी पारी पूरी तरह फ्लॉप, टेस्ट मैच में न्यूजीलैंड की बढ़त, भारत अभी भी कर रहा संघर्ष। अब चलिए बढ़ते हैं 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। नेशनल सीड्स कॉरपोरेशन लिमिटेड NSCL ने विभिन्न पदों के लिए भर्ती की अधिसूचना जारी की है। आवेदन प्रक्रिया 26 अक्टूबर 2024 यानी आज से शुरू होगी और अंतिम तिथि 30 नवंबर 2024 है। ITI, डिप्लोमा या ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन पास उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। आयु सीमा 27 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आवेदन के लिए उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट indiaseeds.com पर जाना होगा। कुल 188 पदों पर नियुक्तियाँ की जाएंगी और विस्तृत पात्रता मापदंड के लिए उम्मीदवार को अधिसूचना देखना आवश्यक है। उम्मीदवारों को फॉर्म भरकर निर्धारित शुल्क जमा करना होगा। कृषि विभाग ने रबी सीजन में 21 जिलों में उच्च गुणवत्ता युक्त गेहूं बीजों के उत्पादन की योजना बनाई है। इस पहल से 20% तक अधिक उपज प्राप्त करने का लक्ष्य है। 3.50 लाख क्विंटल गेहूं के प्रमाणित बीज का उत्पादन किया जाएगा, जिसमें 80% अनुदान पर आधार बीज उपलब्ध कराया जाएगा। किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य से 25 से 30% अधिक मूल्य पर बीज बेचे जाएंगे। 8,750 क्विंटल गेहूँ का आधार बीज कृषि अनुसंधान परिषद से मंगाया जाएगा, जिससे कुल 14,750 क्विंटल आधार बीज उपलब्ध होगा। 21 जिलों में बीज उत्पादन का कार्य किया जाएगा। वहीं 6 जिलों दरभंगा, बक्सर, नवादा, जहानाबाद, पटना एवं लखीसराय कृषक उत्पादक संघ FPO के माध्यम से उत्पादन कराया जाएगा। बिहार सरकार अब निजी अस्पतालों में मरीजों को मिल रही सुविधाओं का हिसाब रखेगी। स्वास्थ्य विभाग की शाखा IDSP ने आद्री और बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन को सर्वेक्षण का जिम्मा सौंपा है। सर्वे में अस्पतालों की बीमारियों की रिपोर्टिंग बढ़ाने का लक्ष्य है। रिपोर्ट कम आने वाले मेडिकल कॉलेजों पर भी ध्यान दिया जाएगा। हर निजी अस्पताल से मरीजों की दैनिक रिपोर्ट तैयार की जाएगी, जिसमें सुविधाओं और मरीजों की संख्या का ब्यौरा होगा। आद्री ने सर्वेक्षण के लिए एक फॉर्मेट तैयार किया है, जिसमें अस्पतालों को अपनी जानकारी देने का निर्देश दिया गया है। सर्वे के लिए IDSP के प्रभारी सह स्टेट सर्विलांस अफसर डॉक्टर रंजीत कुमार ने सभी ACMO को पत्र भेजा है। बिहार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने सरकारी अमीनों के कार्यों की जांच का निर्णय लिया है, क्योंकि विभाग अपनी प्रदर्शन से संतुष्ट नहीं है। सचिव दीपक कुमार सिंह ने बीते दिन बैठक की, जिसमें पाया गया कि ई मापी के डिस्पोजल रेट को और बढ़ाने की ज़रूरत है। विभाग ने अमीनों की मापी की संख्या को बढ़ाने का निर्देश दिया और रिजेक्टेड आवेदनों की जांच का भी निर्णय लिया। ई मापी में 86,500 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 40,000 से अधिक ने ऑनलाइन भुगतान किया है। भागलपुर जिले में सबसे अधिक 5,084 आवेदन लंबित हैं। विभाग ने सभी जिलों की मापी गतिविधियों का मूल्यांकन करने का निर्देश दिया है। बिहारी पहचान में आज हम बात करेंगे सुहासिनी मूले की। सुहासिनी मूले का जन्म 20 नवंबर 1950 को पटना बिहार में हुआ। वह एक प्रसिद्ध भारतीय अभिनेत्री हैं, जिन्होंने असमिया, बॉलीवुड और मराठी फिल्मों में काम किया है। उन्होंने 5 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीते हैं। 1965 में उन्हें मृणाल सेन की फिल्म भुवन शोम में काम करने का मौका मिला, लेकिन उन्होंने अभिनय को करियर नहीं बनाया। वह कनाडा के मैकगिल विश्वविद्यालय से कृषि प्रौद्योगिकी और मास कम्युनिकेशन में डिग्री प्राप्त की। 1975 में भारत लौटकर उन्होंने सत्यजीत रे और मृणाल सेन के साथ सहायक निर्देशक के रूप में काम किया। गुलजार की हू तू तू में वापसी के बाद उन्होंने मां की भूमिकाएं निभाई।
बिहार के माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने सभी जिलों के डीएम को निर्देश दिया है कि सरकारी योजनाओं का लाभ केवल उन विद्यार्थियों को मिलेगा जिनके पास आधार कार्ड होगा। शिक्षा विभाग ने बताया कि राशि का भुगतान डीबीटी के माध्यम से छात्रों के खाते में किया जाएगा, इसलिए आधार सीडेड खाता होना अनिवार्य है। जिन विद्यार्थियों का आधार सीडिंग नहीं हुआ उन्हें लाभ नहीं मिलेगा। सभी अनुमंडलों के चिन्हित विद्यालयों में आधार किट उपलब्ध कराई गई है ताकि आधार निर्माण कार्य विद्यालयों में किया जा सके। डीएम को निजी विद्यालयों का निबंधन भी सुनिश्चित करने के लिए निर्देश किया गया है। इसके अलावा अभियान चलाकर अपने जिला के सभी निजी विद्यालयों का ई संबंधन पोर्टल पर एक माह के अंदर निबंधन कराना सुनिश्चित करेंगे। दिवाली और छठ महोत्सव के दौरान यात्रा पर ट्रेनों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए उत्तर रेलवे ने बिहार के लिए 6 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों का ऐलान किया है। इन ट्रेनों से 8700 बर्थों का सृजन होगा। रेलवे ने इन 6 जोड़ी विशेष ट्रेनों में से 3 जोड़ी आसनसोल पटना आसनसोल विशेष ट्रेनें 03503 या 03504 डाउन, 03511 या 30512 डाउन और 03505 या 03506 डाउन सभी अनारक्षित सामान्य द्वितीय श्रेणी बोगी के साथ चलाई जाएंगी। जानकारी के अनुसार जम्मू तवी हावड़ा गाड़ी संख्या 04608 छठ पूजा स्पेशल का परिचालन 30 अक्टूबर से होगी। ट्रेन में वातानुकूलित सुविधा होगी। ये ट्रेनें बिहार के विभिन्न स्टेशनों से होकर गुजरेंगी। विस्तृत जानकारी के लिए रेलवे के आधिकारिक वेबसाइट पर आप जरूर विजिट करें। बिहार में जमीन सर्वेक्षण के दौरान लोगों की परेशानियों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने कई महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। अब लोगों को जमीन के रसीद और खतियान जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी जिससे उन्हें राहत मिलेगी। इसके अलावा भूमि मापी के दौरान जमीन मालिकों की मौजूदगी की अनिवार्यता को भी खत्म कर दिया गया है, लेकिन प्रतिनिधि का होना जरूरी है। वंशावली के लिए शपथ लेने की आवश्यकता भी समाप्त कर दी गई है। हालांकि कुछ महत्वपूर्ण कागजात अब भी जमा करने होंगे जैसे न्यायालय का आदेश और भूदान प्रमाण पत्र की छायाप्रति आवश्यक है। अगर आप सब्जी की खेती कर पैसे कमाना चाहते हैं लेकिन आपके पास जमीन नहीं है तो बिहार सरकार की छत पर बागवानी योजना आपके लिए है। इस योजना के तहत शहरी निवासियों को अपनी छत पर सब्जी फल और फूलों की खेती करने के लिए प्रेरित किया जाता है। गमलों में पौधे उगाने पर 75% सब्सिडी दी जाएगी जिससे 10,000 रुपये की लागत में आपको केवल 2500 रुपये खर्च करने होंगे। फार्मिंग बेड योजना के तहत 300 वर्ग फीट जगह पर 50,000 रुपये की लागत पर 35,500 रुपए तक की सब्सिडी मिलेगी और यह योजना वर्तमान में पटना गया मुजफ्फरपुर और भागलपुर जैसे शहरों में उपलब्ध है। इस योजना के तहत आम अमरूद केला नींबू जैसे फलदार पौधे और सजावटी औषधीय पौधों को उगाने की अनुमति दी गई है। आवेदन करने के लिए बिहार कृषि विभाग की वेबसाइट horticulture.bihar.gov.in पर जाएं और संबंधित शुल्क जमा करें। बिहार के शिक्षा विभाग ने TRE1 और 2 शिक्षकों के अध्ययन अवकाश के संबंध में स्पष्टता प्रदान की है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक योगेंद्र सिंह ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि वर्तमान में इन शिक्षकों को अध्ययन अवकाश की स्वीकृति नहीं दी जाएगी। हालांकि माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने उच्चतर योग्यता प्राप्त करने के लिए असाधारण अवकाश दिए जाने की बात कही है लेकिन इसके लिए कोई वेतन नहीं होगा। वहीं DEO को यह सुनिश्चित करना होगा कि शिक्षकों के अवकाश से विद्यालय शिक्षण कार्य पर प्रभाव न पड़े। निर्देशों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। राजगीर के गृद्धकूट पर्वत पर विश्व शांति स्तूप का 55वां वार्षिकोत्सव मनाया गया जिसमें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और जापान ताइवान समेत 7 देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए। सीएम नीतीश ने बताया कि फूजी गुरुजी के प्रयास से यह स्तूप विश्व शांति के लिए स्थापित किया गया था। समारोह के दौरान पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा नवनिर्मित एकीकृत भवन का उद्घाटन भी हुआ। इस भवन में आधुनिक सुविधाएं जैसे 6 फूड कोर्ट 80 सीटों वाला कैफेटेरिया लिफ्ट और शिशु पोषण कक्ष उपलब्ध हैं। यह भवन न केवल पर्यटकों के लिए आरामदायक है बल्कि स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर भी प्रदान करेगा। बिहार में सड़क दुर्घटनाओं में हो रही बढ़ोतरी के खिलाफ पटना हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है। याचिकाकर्ता विशाल कुमार ने बताया कि राज्य में सड़क दुर्घटनाओं में 44% की वृद्धि हुई है। बिहार में वाहनों की संख्या बढ़ी है लेकिन लर्निंग और ड्राइविंग क्षमता की जांच का कोई ठोस प्रबंध नहीं है। वर्तमान में 38 जिलों में केवल 19 मोटर वाहन निरीक्षक कार्यरत हैं। शराबबंदी कानून का सही तरीके से पालन नहीं किया जा रहा है जिससे दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं। अधिवक्ता विकास पंकज ने सरकार से प्रभावी कदम उठाने की अपील की है।
जमुई में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने हाल ही में शिक्षकों की पिटाई के मामलों पर गंभीरता दिखाई। उन्होंने पीड़ित शिक्षकों से मुलाकात की और सिमुलतला आवासीय विद्यालय तथा उच्च विद्यालय का निरीक्षण किया। शिक्षकों ने सुरक्षा की गुहार लगाई, जिसके बाद जमुई एसपी ने आश्वासन दिया कि प्रशासन की तैनाती रहेगी और शिक्षकों को डरने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि मारपीट करने वालों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। इसी दौरान डॉक्टर सिद्धार्थ ने झाझा प्रखंड स्थित प्राथमिक विद्यालय औरैया में बच्चों के मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता की भी जांच की, जिसमें उन्होंने चावल की गुणवत्ता भी परखी। सोने की खरीदारी करने वालों के लिए यह जानकारी महत्वपूर्ण है। खासकर त्योहारी सीजन में अक्सर सोनार 22 कैरेट के आभूषण बताकर 18 कैरेट के थमा देते हैं, जिससे ग्राहकों को नुकसान होता है। सोने के आभूषणों पर कैरेट की जानकारी सीधे नहीं लिखी होती है, बल्कि कुछ विशेष नंबर होते हैं। उदाहरण के लिए 24 कैरेट पर 999, 23 कैरेट पर 958, 22 कैरेट पर 916, 21 कैरेट पर 875 और 18 कैरेट पर 750 लिखा होता है। इसलिए सोने की खरीदारी से पहले इन नंबरों की जाँच अवश्य करें। सुप्रीम कोर्ट ने बीते दिन सीबीआई द्वारा दायर याचिका को खारिज करते हुए एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती और उनके भाई शौविक को राहत दी है। यह याचिका सुशांत सिंह राजपूत के डेथ केस में बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ थी, जिसमें सीबीआई ने रिया के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर एलओसी की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट ने इसे तुच्छ बताते हुए कहा कि यह सिर्फ एक हाई प्रोफाइल केस के कारण दायर की गई है। न्यायाधीशों ने मामले को आगे बढ़ाने के लिए सीबीआई के वकील को भी नकार दिया। बता दें कि एलओसी फरार अपराधियों की तलाश के लिए व्यक्ति के प्रवेश या निकास को प्रभावी ढंग से रोकने और निगरानी करने के लिए खोले जाते हैं। बिहार में दीपावली को लेकर बक्सर में पुलिस ने अवैध पटाखा भंडारण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। एसडीएम धीरेन्द्र कुमार की अगुवाई में की गई छापेमारी में 100 टन से अधिक पटाखे रिहायशी इलाके के मकान से बरामद किए गए। पुलिस का कहना है कि यदि एक चिंगारी भी लग जाती तो इलाके में बड़ा धमाका हो सकता था। यह पटाखा यूपी के बलिया और गाजीपुर के अलावा बिहार के आरा और रोहतास में सप्लाई करने की तैयारी में था। पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है, जिससे तस्करों में हड़कंप मचा हुआ है। बिहार में दाना चक्रवात के प्रभाव से बीते दिन शुक्रवार को बारिश और तेज आंधी शुरू हो गई, जिससे राजधानी पटना सहित कुछ जिलों में कई एकड़ में लगी धान की फसल नष्ट हो गई है। मौसम विभाग के अनुसार चक्रवात का असर गुरुवार रात से ही महसूस किया गया। तेज हवाओं और बारिश ने खेतों में धान की फसल को प्रभावित किया, जिससे किसानों की चिंता बढ़ गई है। कृषि विशेषज्ञों ने बताया कि गिरने पर धान की बाली पक नहीं पाती, जिससे दाने बर्बाद हो जाते हैं। जिला प्रशासन ने चक्रवात के चलते सभी लोगों को अलर्ट रहने का निर्देश दिया है। फिलहाल आज के लिए मौसम विभाग ने कोई चेतावनी जारी नहीं की है। आज मौसम सामान्य रहेगा, जहां अधिकतम तापमान 30 से 32 डिग्री सेल्सियस जबकि न्यूनतम तापमान 20 से 22 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। नवादा पुलिस ने शराब माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करते हुए कादिरगंज थाना क्षेत्र के पौरा गांव में एक ट्रक से 2583 यानी 2583 लीटर विदेशी शराब जब्त की। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी, जिसके बाद उन्होंने एक ट्रक, पिकअप वाहन और दो बाइक को बरामद किया। हालांकि पुलिस को देखकर सभी चालक मौके से भाग निकले। सदर डीएसपी अनुज कुमार ने बताया कि फरार धंधेबाजों की पहचान की जा रही है। इस कार्रवाई से पुलिस को बड़ी सफलता मिली और शराब तस्करी के खिलाफ मुहिम को मजबूती मिली है। बिहार के नगर विकास एवं आवास मंत्री नितिन नवीन ने छठ घाटों की तैयारियों की जानकारी ली और छठ व्रतियों को पूजा के दौरान कोई असुविधा ना हो, इसके लिए प्रदेश भर के नगर निकायों को विभाग की ओर से 25 करोड़ रुपए की राशि की स्वीकृति दी है। इस राशि से घाटों पर बैरिकेडिंग, शौचालय, चेंजिंग रूम, स्ट्रीट लाइट और वॉच टावर जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। पटना नगर निगम को 12 करोड़ और अन्य 18 नगर निगमों को 1,80,00,000 रुपये का आवंटन किया गया है। मंत्री ने गंदगी फैल ने से रोकने के लिए विसर्जन स्थल की व्यवस्था का निर्देश दिया है। विभाग के सचिव अभय सिंह ने सुरक्षा प्रबंधों और अस्थायी वैकल्पिक घाट के निर्माण पर भी जोर दिया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस की राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी रालोजपा को पटना में स्थित सरकारी बंगला खाली करने का आदेश दिया गया है। भवन निर्माण विभाग ने 7 दिनों के भीतर यह बंगला खाली करने के लिए कहा है, अन्यथा बलपूर्वक खाली कराया जाएगा। यह सरकारी भवन हाल ही में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के गुट वाली लोजपा रामविलास को आवंटित किया गया है। भवन निर्माण विभाग के संयुक्त सचिव संजय कुमार ने नोटिस जारी किया, जिसमें कहा गया है कि यह बंगला पटना एयरपोर्ट के पास स्थित है और 2004 से रालोजपा के उपयोग में था।
झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले लालू यादव की पार्टी को बड़ा झटका लगा है। पटना हाईकोर्ट ने बालू कारोबारी सुभाष यादव की कोडरमा सीट से चुनाव लड़ने की याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने पहले उन्हें नामांकन दाखिल करने की अनुमति दी थी, लेकिन बाद में इस आदेश को वापस ले लिया। मामले में सुनवाई के दौरान ईडी ने कहा कि सुभाष यादव मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार हैं, इसलिए उन्हें पक्षकार बनाना आवश्यक है। कोर्ट ने सुभाष की याचिका को खारिज करते हुए मामले को अन्य कोर्ट में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने का आदेश दिया। पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने मुंबई में अभिनेता सलमान खान से मिलने की कोशिश की, लेकिन उनकी व्यस्तता के कारण मुलाकात नहीं हो सकी। हालांकि दोनों के बीच फोन पर लंबी बातचीत हुई। पप्पू यादव ने सोशल मीडिया पर लिखा कि वे सलमान खान के साथ हैं और उन्हें आश्वस्त करना चाहते थे। उन्होंने कहा कि उनसे फोन पर लंबी बात हुई। सलमान निडर और इंसानियत को प्राथमिकता देने वाले हैं। पप्पू यादव ने इससे पहले एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी के बेटे से भी मुलाकात की थी और उन हत्यारों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। वहीं पप्पू यादव पहले ही लॉरेंस गैंग को धमका चुके हैं। भारत और न्यूजीलैंड के बीच दूसरी टेस्ट मैच के दूसरे दिन भारतीय पारी पूरी तरह फ्लॉप रही। भारतीय बल्लेबाजी कीवी गेंदबाजों के सामने धराशायी हो गई। जहां पहले दिन रोहित बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए थे, वहीं दूसरे दिन कोहली महज एक रन पर LBW होकर चलते बने। ऋषभ 18 रन बनाकर आउट हो गए। न्यूजीलैंड ने अपनी दूसरी पारी में 5 विकेट पर 198 रन बना लिए हैं। उनकी कुल बढ़त 301 रन हो गई है। भारत ने पहली पारी में 156 रन बनाकर सभी विकेट गंवाए। न्यूजीलैंड की ओर से कप्तान टॉम लाथम ने 86 रन बनाए, जबकि अन्य बल्लेबाजों में ड्वेन कॉनवे और विल यंग ने क्रमशः 17 और 23 रन बनाए। दिन का खेल न्यूजीलैंड के पक्ष में रहा, जिससे भारत के लिए 300 से ऊपर लक्ष्य का पीछा करना मुश्किल होगा। अब भी 3 दिन का खेल बाकी है और ऐसे में नतीजा आना तय है। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से है दर्ज। आज ही के दिन 1934 में महात्मा गांधी के संरक्षण में अखिल भारतीय ग्रामीण उद्योग संघ की स्थापना हुई। 1947 में राजा हरि सिंह जम्मू कश्मीर को भारत में विलय करने पर सहमत हुए। 1950 में संत मदर टेरेसा ने कलकत्ता में चैरिटी मिशन की स्थापना की। 1943 में कलकत्ता में हैजे की महामारी से अक्टूबर के तीसरे सप्ताह में 2155 लोगों की मौत हुई थी। वर्ष 2006 को भारत चीन मैत्री वर्ष के रूप में मनाने का फैसला लिया गया। आज ही के दिन 1890 में गणेश शंकर विद्यार्थी का जन्म हुआ था। और आज ही के दिन 2009 में क्रांति त्रिवेदी 20वीं सदी की हिंदी की सबसे प्रतिष्ठित लेखिकाओं में से एक थी, उनका निधन हुआ था। ग्लोबल मार्केट में मिले जुले कारोबार के बीच बीते दिन भारतीय शेयर बाजार में बड़ी गिरावट आई। सेंसेक्स 662.87 अंक गिरकर 79,402.29 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 187.60 अंक लुढ़क कर 24,211.80 पर रहा। लगातार पांचवें दिन गिरावट देखने को मिली, जिसमें 3087 शेयरों में गिरावट आई। ITC, एक्सिस बैंक और HUL जैसे 12 शेयर हरे निशान में रहे, जबकि इंडसइंड बैंक और HNM जैसे 38 शेयरों में गिरावट आई। BSE मिड कैप और स्मॉल कैप में क्रमशः 1.48% और 2.4% की गिरावट आई, जो पिछले 7 दिनों में करीब 9% की गिरावट दर्शाती है। हम आपसे प्रतिदिन 5 ऐसे जरूरी सवाल और उसके जवाब पूछते हैं, जो कि BPSC, बिहार पुलिस, दारोगा समेत अन्य SSC जैसे प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवाल में आपने कितना सही उत्तर दिया है, यह हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो हमारा पहला सवाल है, बिहार में कुजागरा व्रत मुख्यतः मनाया जाता है। ऑप्शन ए मगध क्षेत्र में, ऑप्शन बी भोजपुरी क्षेत्रों में, ऑप्शन सी मिथिलांचल में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी मिथिलांचल में। आज का दूसरा सवाल है, किसान समाचार के संस्थापक थे। ऑप्शन ए स्वामी स्वरूपानंद, ऑप्शन बी स्वामी श्रद्धानंद, ऑप्शन सी राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी स्वामी विद्यानंद। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी स्वामी विद्यानंद। तीसरा सवाल है, जयप्रकाश नारायण किस आंदोलन से संबंधित थे। ऑप्शन ए चंपारण सत्याग्रह, ऑप्शन बी असहयोग आंदोलन, ऑप्शन सी व्यक्तिक सत्याग्रह आंदोलन, ऑप्शन डी भारत छोड़ो आंदोलन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी भारत छोड़ो आंदोलन। आज का चौथा सवाल है, लीडरशिप समिट 2024 की मेजबानी किसने की।
ऑप्शन ए आईआईटी गुवाहाटी, ऑप्शन बी आईआईटी वाराणसी, ऑप्शन सी आईआईटी पटना, ऑप्शन डी आईआईटी दिल्ली। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए आईआईटी गुवाहाटी। आज का पांचवा और आखिरी सवाल है, विश्व विकास सूचना दिवस हर साल कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 22 अक्टूबर, ऑप्शन बी 23 अक्टूबर, ऑप्शन सी 24 अक्टूबर, ऑप्शन डी 25 अक्टूबर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 24 अक्टूबर। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है विनय कुमार, रंजीत मिश्रा, पूजा राठौर, वेद प्रकाश सिंह, परशुराम, उमेश ठाकुर, मुन्ना प्रसाद, छोटू राजा, रवि मोहन वर्मा, नंद कुमार सिंह, मिथुन राजा, रवि कुमार राम, रोशन कुमार, इंद्रजीत कुमार और राकेश मिश्रा। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि क्या आपके क्षेत्र में भी तूफान दाना का असर देखने को मिला? जिला के साथ अपने क्षेत्र का नाम जरूर लिखें। आप अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज़। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।